अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग ना अपने घर में फिल्टर वाला बोर करवाने वाले हैं 500 फीट नीचे जमीन के। आप सबको पता है घर तो कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। बोर हम लोग करवा रहे हैं इधर इस जगह पे। क्यों बोर करवा रहे हैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, उधर साथ ही बोर करवाना है बाहर वाली साइड पे, और उसके अंदर ही ना जहाँ पर हमारी दूसरी मोटर लगी हुई है। तो ऐसा करेंगे, ये वाला कनेक्शन ना सीधा उसके साथ लगाएंगे, ये मोटर भी पानी देगी, वो मोटर भी, मतलब दो मोटर हो जाएंगी, लेकिन चलाएंगे हम लोग वो ही, ये बस इमरजेंसी के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर बोर करवाना है, तो अभी यहाँ पर ना पहले हम लोगों को जमीन सारी सीधी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों ने इधर मशीन लगानी है। लाओ मैं भी हिस्सा, मैंने खुद पहली बार देखना है ये वाला बोर हो तो। कहां तक पहुंचा काम? काम अभी शुरू हुआ है। ये सारे पाइप जमीन के अंदर जाएंगे, फिर बोर होगा, फिर पानी आएगा फिल्टर वाला। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मशीन लगी कैसे है, ताकि आपको समझ आ सके। ये जो मशीन है, इसका काम है पाइप को घुमा के जमीन के अंदर लेके जाना। उस इंजन का काम है इस मशीन को चलाना। और ये जो डब्बा है, इसका काम ये है कि वो जो इंजन के साथ पाइप लगा हुआ है ना, यहाँ से पानी जाएगा घूम के सीधा ऊपर से सीधा पानी इसके अंदर, और फिर जो इसके अंदर मट्टी निकलेगी ना, वो मट्टी इस पाइप के जरिए इसके अंदर, और पानी भी साथ आएगा, पानी फिर इधर से घूम के फिर ऊपर, मतलब ऐसे करते करते बोर हो जाएगा। काम करते करते साथ चाय आ गई है। चाय आई तो काम करने वालों के लिए थी, लेकिन एक कप ज़्यादा आ गया, तो अभी मैं पीता हूँ। ये देखें, अभी बोर हो रहा है, पाइप घूम के सीधा जमीन के अंदर जा रहा है। मट्टी इधर है और पानी इधर हो जाएगा, ये एक अलहदा से खाना बना हुआ है। ये देखें, ये सारी रेत इकट्ठी हो गई है इधर।
पाइप फिर से लीक हो गया, नया पाइप ना मावी के घर पड़ा हुआ है, तो अभी वो लेने जा रहा हूँ। हेलो, अब देखिए हम लोगों ने क्या जुगाड़ लगाया है। पाइप के ऊपर ना मट्टी डाल दिया, तो अब जो भी गाड़ी गुजरेगी ना इसके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा और ये फटेंगे नहीं। आधे से ज़्यादा बोर हो गया है, ये थोड़े से पाइप रहते हैं, कुछ ये पाइप रहते हैं और कुछ वो बाहर पड़े हैं, बाकी सारे पाइप ज़मीन के अंदर चले गए हैं। तकरीबन एक दो घंटा लगेगा और बोर कम्प्लीट हो जाएगा। और मोटर लगाने के लिए ना बोर में जो हम लोग ने अपना पाइप वगैरह डालने हैं वो भी आ गए हैं। ये सारे पाइप ना ज़मीन के अंदर जाएंगे 500 फीट नीचे तक। अभी फ़िलहाल बोर हो रहा है, तो बोर होगा ना तो उसके बाद ये सारा माल डालेंगे। ये जो पाइप है ना ये नीचे नहीं जा रहा, बिल्कुल नीचे जो पाइप है उसके नीचे पत्थर आ गया है जिसकी वजह से पाइप नहीं जा रहे। या तो वो पत्थर टूटेगा या वो किसी साइड पे होगा, फिर उसके बाद फिर पाइप नीचे जाएंगे। अबू जी, हाँ जी, अब ये पत्थर टूटेगा या काटा जाएगा या क्या होगा? आस्ता आस्ता खिसक के ना साइड पे होगा, साइड पे हो जाएगा। हाँ जी। ये देखे कोशिश कर रहे हैं भाई पत्थर को तोड़ने की, ये देखे। ये मोटर है मजैल है जो 500 फीट जमीन के अंदर जाएगा और पानी बाहर भेजेगा, ये वाला। काफी देर के बाद ना थोड़ा सा पाइप नीचे गया है। ये वो फिल्टर बनेगा जिसके जरिए पानी आएगा पाइप में और फिर ऊपर आएगा। ये जो फिल्टर वाला पाइप होगा ना ये नीचे से इस तरह बंद होगा ताकि इसके अंदर रेत ना जा सके। ये फिल्टर तैयार हो रहा है जिससे पानी गुजर के ऊपर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बोर कंप्लीट हो गया है और बोर में जो पाइप डाले थे ना अब वो निकाल रहे हैं। ये देखें एक पाइप बाहर आ गया। फिल्टर नीचे चला गया, अभी बाकी पाइप को जो फिट कर करके ना डालते जाएंगे जमीन के अंदर। चल फिल्टर बोर्ड के अंदर चला गया, अभी एक ऊपर पाइप लगाया है इसी तरह, इसके ऊपर ये वाला पाइप लगेगा फिर ये पाइप लगेगा, इसी तरह सारे पाइप ना जमीन के अंदर जाएंगे बोर के अंदर। लगा जी पानी फिल्टर के साथ जो छोटे पाइप थे ना वो सारे के सारे जमीन के अंदर चले गए हैं, अभी बड़े पाइप जाएंगे।
बोर हो गया, बोर के अंदर पाइप वगैरह डाल दिए हैं। सुबह बोर में मिसाइल डालेंगे, मोटर जो होती है जो पानी निकालेगी बाहर, और सुबह इंशाल्लाह फिर पानी निकलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ये अंकल आ गए हैं मिसाइल डालने के लिए। ये है मिसाइल, सही हो गया। ये वो मोटर है जो जमीन के नीचे से पानी ऊपर भेजेगी, और इसके साथ ये तार लग रही है। अगर कल को ये ख़राब होता है या इसे बाहर निकालना पड़ता है तो इस तार की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी बिजली के लिए तार ये वाली है। अभी ये मिसाइल जाने लगा जी ज़मीन के अंदर, फिर बाद में पानी भेजेगा ऊपर। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, अब ये 300 फीट नीचे जाएगा, 200 फीट, 150 फीट नीचे जाएगा। सही हो गया। ना यार एक मिनट भाई, तू ऐसे सिर्फ खलो ताकि मिट्टी तो ना ढीली है जमीन में। कारण काम हो गया, काम हो गया। ले जी, बोर फाइनल हो गया, अभी चला के चेक करते हैं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। ये मिसाइल बॉक्स है, इसके साथ मिसाइल चलेगा जी। बोर कंप्लीट हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अभी चेक करते हैं पानी, चला दें। चला दें। प्रेशर चेक करें, वाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, पानी काफी अच्छा। देखें प्रेशर चेक करें यहां से वो वहां तक, क्या नंबर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे? हम भी ठीक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। हम ठीक हैं। हाँ जी, बोर सही हुआ है? अल्लाह हो, अल्लाह बहुत अच्छा। पानी गंदा होने लग पे भाजी, यह फिल्टर का पानी हून जरा ना मोबाइल ने पानी चुके, असल पानी जरा ना बोर का हून शुरू है, हूँ जो इन्हें साफ होना ना। हाँ जी बिल्कुल, पीने वाला साफ सुथरा माशाल्लाह। मतलब पहला जरा पानी आया ही, जरा सी पाया ही, ओ सी सही हो गया, सही हो गया। तो यह पानी भाजी हूँ चुकया गया माशाल्लाह। उर्दू लोग था, अभी पानी आया है बोर वाला माशाल्लाह जी। मुबारक हो आप सबको भी। तो अभी जी से बाहर सबको मिठाई वगैरह खिला रहा है, 500 फीट नीचे बोर हुआ है ना हमारा, उस खुशी में। तो इधर हम लोग अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, मैं जल्दी से जाकर मिठाई खानी है ना। तो ये हमारा आज का ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।